हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के दिन एक ऐसा ट्रेड हुआ जिसको समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। आज का जो मार्केट है वो लगभग 16,600 के आसपास था, लेकिन 14,500 का कॉल इतनी लो प्राइस पे सेल हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। जनरली ये जो इन द मनी कॉल है, तो इन द मनी कॉल में एक इंट्रेंसिक वैल्यू होती है। तो मान लीजिए कि अभी 16,500 मार्केट चल रहा है, तो उसके अंदर 2,000 रुपीज़ की इन द मनी वैल्यू थी। अगर यही कॉल आपको ओनली एंड ओनली 1 रुपीज़ में मिल जाए, तो ये आपको सीधे सीधा 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। और ये जो एक्सपायरी है वो आज ही के दिन थी, और आज के दिन ये लगभग 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेड हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्रेड हुआ वो लगभग 2:34 के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये ट्रेड किसने किया और क्यों किया, क्या है किसी की मिस्टेक है या फिर किसी ने जानबूझ के किया है या फिर क्या हो सकता है, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 चीज़ देखी कि इसमें क्या क्या हो सकता है। कि मान लीजिए कि किसी के पास आपका अकाउंट है और वो आपके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तभी ये चीज़ कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट वाला अकाउंट कोई भी दूसरे को हैंडल करने के लिए नहीं देता है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर निकल के आई कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति के पास, कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसके पास 2 अकाउंट है। ब्रोकर 1 के पास अकाउंट है और एक ब्रोकर 2 के पास अकाउंट है। अब मान लीजिए कि ए ब्रोकर 20x का लेवरेज दे रहा है और ए अकाउंट इसका आइडियल पड़ा है, जहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं चल रहा है। अब ये जो बंदा ए वाला ट्रेड कर रहा है, उसकी नीयत बहुत ही ख़राब है। उसकी नीयत है कि मुझे 20x का फ़ायदा उठा के पैसे मुझे यहाँ पर डबल या 10 गुना करने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके पास ओनली 10 करोड़ रुपीज़ है और ये यहाँ पे 100 करोड़ रुपीज़ ले लेना चाहता है। तो अब क्या करेगा कि फॉल्टी ट्रेड यहाँ पे जनरेट करके यहाँ से पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे इसका लॉस होगा और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास इतने रुपए बैंक में है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भले डिफ़ॉल्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके पास 100 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ए वाला जो ब्रोकर है उसको सीधे सीधा नुकसान होगा 90 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पे ए भाई साहब को फ़ायदा हो जाएगा एक्स्ट्रा 90 करोड़ का। तो इसकी नीयत ऐसी हो सकती है। तो ये चीज़ को हम रियल एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेड को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 14,500 का कॉल है वो लगभग ई लिक्विड कॉल है और यहाँ पर कोई भी वॉल्यूम नहीं आ रहा। आप यहाँ पर मैं एरो घुमाते जाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम जो है 0 आ रहा है। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहाँ पर 2:34 को, एक्सपायरी के दिन 2:34 को यहाँ पे वॉल्यूम आया, और वो वॉल्यूम भी कितना ज़बरदस्त आया, लगभग 1,40,000 का वॉल्यूम आया। ठीक है, उसके बाद लगातार 5 मिनट तक ये वॉल्यूम रहा। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, उन्होंने दूसरे अकाउंट में इस ट्रेड को बाय किया है और एक अकाउंट में सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए किसी ब्रोकर ए के अकाउंट में ये भाई साहब के 10 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे उनको लेवरेज मिल जाता है 20x का। ठीक है, तो उनका जो मार्जिन मनी यहाँ पे होगा वो होगा लगभग 200 करोड़। ठीक है, उनके पास एक्चुअल में 10 करोड़ थे, लेकिन मार्जिन मनी कितना मिलता है 200 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पे 20x मार्जिन मिल जाता है। अभी यहाँ पे ये जो 14,500 का जो प्रीमियम चल रहा था वो लगभग 2,100 रुपीज़ का चल रहा था, और यहाँ पर एक लॉट के लिए जो मार्जिन मनी की रिक्वायरमेंट थी वो 2 लाख रुपये है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 14,500 वाला कॉल में यहाँ पे सेल करता हूँ एक क्वांटिटी या फिर एक लॉट 50 क्वांटिटी, तो यहाँ पे मुझे मार्जिन की रिक्वायरमेंट है लगभग 2,10,000 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाई साहब कितने लॉट में काम कर सकते हैं, लगभग 10,000 लॉट यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अभी मान लीजिए कि उन्होंने 15 पैसे पर यहाँ पर ऑर्डर लगाया, लेकिन उससे पहले वो क्या करेंगे, यहाँ पर 15 पैसों पर बाय ऑर्डर लगा देंगे। अब उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से देख के ऑर्डर लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिक्विडिटी नहीं थी और आप देख रहे हैं कि जो वॉल्यूम था वो 0 था। तो आप यहाँ पे ट्रेंड पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम लगातार 0 आ रहा था, और लास्ट में इतनी दूर की इन द मनी प्राइस पे लगभग कोई ट्रेड नहीं करता। तो जैसे ही उन्होंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर पहले बाय का ऑर्डर लगा दिया था लेकिन कोई सेलर था नहीं, उसके बाद जैसे ही सेल का ऑर्डर लगाया तुरंत ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम आया, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन प्राइस दिखाई दे रही है वो ऊपर की है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अल्गो हो गए और अल्गो ने ए ऑर्डर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो ये भाई साहब का जो
15 पैसे वाला ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके बदले यहाँ पे दूसरे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट किया होगा कि मान लीजिए कि 10% अगर एफिशिएंसी भी आती है, मतलब कि ये जो 10,000 लोट है उसमें से ओनली 1,000 लोट भी उनके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो 15 पैसे में 1,000 लोट बाय कर लेते हैं तो उनका जो टोटल अमाउंट लगेगा ओनली एंड ओनली कुछ 1,000 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब यही जो कॉल है उसको 2,000 रुपये की प्राइस पे वापस से सेल कर देते तो उनको जो पैसे मिल जाएंगे वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 उसकी क्वांटिटी है लोट की, प्लस 2,000 उसको मिले, और यहाँ पे 50 का निफ्टी का लोट है। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल बन जाएगा 10 करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10% एफिशिएंसी काउंट की, लेकिन ये भाई साहब का कैलकुलेशन मान लीजिए कि 20% या फिर 50% का होगा, तो यहाँ पे इनका जो आइडिया था वो 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए बनाने का था, लेकिन एक्चुअल में ये आइडिया इसका फ्लॉप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मे बी अल्गो ट्रिगर हो गए या फिर लोगों को पता चल गया और ये जो ऑर्डर है वो अबो प्राइस में ही ट्रेड करने लगे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ जो मैंने डिस्कस की है वो ओनली एंड ओनली एक एजम्पशन के बेस पे की है, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता कि एक्चुअल में इसने ऐसी ट्राई करी है या नहीं करी है। एक्चुअल में हो सकता है कि किसी ने गलती से यहाँ पे बाय की जगह सेल कर दिया हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।